So guys, today we will be covering blood, the portion of 11th class where we will study the formed elements, its constituents and the clotting part, right? Today, in today's topic, what we will be doing, we will be learning about RBCs, types of WBCs, the trick behind, the trick for WBCs count. Then we'll go for types of WBCs, we'll touch immunity, then we'll go for blood clotting. And we'll go for some tricks. Okay, let's start. Today we are going fully professional, right? Okay, so यहाँ से start करते हैं. देखो, अगर हम अपनी body को देखेंगे तो हमारी body में total 70% पानी होता है. मगर ज्यादातर ये जो पानी है इब्राहिम, ये water जो है हमारे tissues वगैरह में पाया जाता है. ज्यादातर पानी हमारे टिश्यूज में पाया जाता है. एक्चुअली तीन पार्ट्स हैं जहाँ पे हमारे बॉडी का फ्लूड पाया जाता है. सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूड. टिश्यू फ्लूड का मतलब होता है गाइस कि जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स के बीच में इंटरकैलेटेड जगहों पे बहुत सारा पानी भरा होता है. कभी आपको चोट लगी हो जिसमें हल्की सी खुरच गया हो हाथ, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हल्का सा फ्लूड निकलता है, व्हाइट कलर का वॉटरिश फ्लूड निकलता है, राइट? उस वॉटरिश फ्लूड को हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूड, राइट? दूसरा फ्लूड होता है गाइस लिम्फ के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ, और ये पाया जाता है लिम्फैटिक वेसल्स में या लिम्फ वेसल्स और नोड्स में. जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सिस्टम होता है ना, तो उसी के पैरेलल, उसी की वजह से एक और वाइड ब्लड सिस्टम होता है जिसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं. अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, लिम्फ इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच सपोर्ट्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, राइट? बट दिस इज ब्लड विदाउट आरबीसीज. लिम्फ इज द ब्लड विदाउट आरबीसी. उसके बाद थर्ड हमारा जो आता है वो नॉर्मली ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें खासतौर से ये ब्लड की बात कर रहे हैं. अब गाइज एक बात समझना, कोई भी टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू तब कहलाता है जब वो टिश्यू जो है ना बॉडी के दो पार्ट्स को, दो टिश्यूज को, बोन को बोन से, बोन को टिश्यू से, या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करे. वी कॉल देम कनेक्टिव टिश्यू, राइट? तो क्योंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में है इसलिए हम इसको बोल देते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, राइट? यहाँ से क्वेश्चन आएगा गाइज, मगर इसमें आप ये या उसमें आप ये आंसर नहीं लिख पाओगे. सिर्फ आप में आपको क्वेश्चन आएगा व्हाई ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू. तो मैंने जो बोला वो सच है, मगर इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखो, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होता है ना बच्चे, तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हमेशा मीजोडर्म का बना हुआ होता है. अगर आपको याद आ रहा हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 क्लास, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12, बल्कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 12, राइट? आपने उसमें पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने कभी सुना होगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है गाइस, है ना? तो उसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि ब्लड फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द मीजोडर्म. मीजोडर्म का एक और नाम है जो एम्स वालों का सबसे फेवरेट है, वो है मीजेनकाइम. मगर आप एम्स तो है नहीं, बट स्टिल वर्ड आ सकता है, आपको याद रखना है. तो देखो, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू विच मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. होम्योस्टेसिस मीन्स एक रेगुलर कंडीशन बना के रखना, राइट? अच्छा, एक बात समझ लो बेटा, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना एकान, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज का एक प्रॉपर्टी होती है. क्या? कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू तीन कंपोनेंट्स के मिलके बने होते हैं, तीन चीजों के मिलके बने होते हैं, और वो तीन कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस आता है काफी ज्यादा. वो तीन कंपोनेंट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स. सबसे पहली बात, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में एक लिविंग कंपोनेंट होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स, राइट? पता है ये सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स हैं जो के बाकी दो कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं. क्योंकि ये लिविंग होते हैं तो इनके अंदर सेल डिवीजन भी होगा, सेल साइकिल्स भी होंगी, इनके अंदर से इनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, इनमें से वेस्ट भी निकलेगा, और इनके अंदर से सर्टेन फ्लूइड लाइट मटेरियल भी निकलेगा. चाहे कोई सा भी कनेक्टिव टिश्यू हो, सारे कनेक्टिव टिश्यूज में यही चीज काम करती है. तो देखो, हर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं. जैसे अगर हम ब्लड में बात करें तो ब्लड में WBCs हैं, RBCs हैं, राइट? और ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं. अब उनके बाद क्या होता है, एक ग्राउंड सब्सटेंस निकलता है. हमेशा हर टिश्यू में देखोगे आप, एक ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस निकलता है. जैसे कि हमारे टेंडन्स के अंदर भी बहुत सारा मैट्रिक्स होता है, राइट? जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन प्रोटीन होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लड में भी एक सब्सटेंस, बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा. क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा, राइट? तो प्लाज्मा इज नथिंग बट अ नॉन लिविंग ग्राउंड सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय
कनेक्टिव सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात याद रखो, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये एक चीज और बनाता है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे कि हमारे टेंडन्स लिगामेंट्स वगैरह के अंदर दूसरे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें ये बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जैसे कोलेजन बना देते हैं ये लोग, राइट। उसी तरीके से ब्लड के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप लोग फाइब्रिनोजन बोल सकते हो, फाइब्रिन बोल सकते हो, एल्बुमिन बोल सकते हो। ये सारे के सारे कैसे होते हैं गाइज, ये सारे के सारे होते हैं नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट विच आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसका फटाफट आप ले लो एक स्क्रीनशॉट एंड से यस, अगर मेरी बात समझ में आई तो। यस सर, यस सर, खान और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर मुझे बता दो, इन्फॉर्म मी। खतीब आपको ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। देखो पवन, तुम्हें एक बात याद रखना है कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज कोई सा भी हो, सारे कनेक्टिव टिश्यू की ये चार प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो वो मीजेनकाइम या मीजोडर्म से बना होगा, दूसरी चीज उनके अंदर कनेक्टिव सेल्स होंगे, ग्राउंड सब्सटेंसेस होंगे और प्रोटीन फाइबर्स होंगे, और ये सारी सारी के सारी चीजें आपको ब्लड में भी देखने को मिलेंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, ठीक है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यार कि आखिरकार ब्लड के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर हमें से पता होना चाहिए इन जनरल कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वेस्ट और न्यूट्रिशन के काम में भी आता है, जाहिर सी बात है क्लॉटिंग करता है, और क्योंकि इसके अंदर WBCs होते हैं, WBCs में न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल और उसके बाद बहुत सारे टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, तो ये इन्फेक्शन से फाइट करने में भी काम आता है। अब यहाँ पे एक आए हुए क्वेश्चन के बारे में आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं दो बार आ चुका है कि क्या ब्लड हमारे अंदर, हमारे हमारे लिक्विड सिस्टम के अंदर क्या विस्कोसिटी प्रोवाइड कराता है, और इस विस्कोसिटी का फायदा क्या है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द व्हाई विस्कोसिटी इज इंपॉर्टेंट इन ब्लड, व्हाई ब्लड इज मोर थिकर देन वाटर। गाइस कोई तो बोलो। पता है इब्राहिम, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसी जगहें हैं, ऐसे पार्ट्स, ऐसे टिश्यूज हैं जहां पे सिंगल सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, राइट। इस तरह के सिंगल सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है जिसमें से अगर विस्कोसिटी नहीं हुई, अगर फ्लूड की, लिक्विड की, राइट, तो वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे लीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने कई बार सुना होगा डेंगू करके एक बीमारी होती है, डेंगी वायरस मच्छर से होता है, राइट। इसके अंदर बॉडी के की जो प्रोटीन्स होते हैं जिनको आप लोग ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हो, उनकी कमी हो जाती है और इसके कारण इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है ब्लड की। जैसी विस्कोसिटी कम होती है तो हमारे जितने इंटरनल विसेरल ऑर्गन्स हैं उनसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है खतीब, राइट। और जैसे ही इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होगी यार, तो जाहिर सी बात है नाक से खून आएगा, लिवर से खून आएगा, कई बार आंख के किनारे से यहां से खून आने लगेगा, एंड दैट इज वेरी फेटल, इसकी वजह से जान जा सकती है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद एक बात समझ लो आप कि जितने भी विस्कोसिटी जो है इसकी एक वजह होते हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन्स, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, खासतौर से एल्बुमिन, फाइब्रिन एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, विस्कोसिटी तो प्रोवाइड कराते ही हैं, साथ ही साथ ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ब्लड का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मेंटेन रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता कि हमने यहाँ पानी पिया और वो पानी हमारे इंटेस्टाइन से पहुंच के सीधे ब्लड में पहुंच गया और 5 लीटर ब्लड की बजाय 10 लीटर ब्लड बना दिया, राइट। ऐसा नहीं होता, एक 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 रिदम में
एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू अमाउंट ऑफ वाटर ब्लड में मिलता है, ऐड होता है, और उसी के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगा, आज आपने ज्यादा पानी पी लिया तो एकदम से बढ़ गया, नहीं, राइट। थोड़ी देर पानी पेट में रहता है, तो आपको इतना समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी का मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हम समुद्र में चले जाएं तो भी हम मेंटेन है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन है। हम मीठे पानी में कूद जाएं, बड़े तालाब में अगर छलांग लगा दें तो भी हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोसिस होगा, वो मेंटेन रहेगा। वॉज आई क्लियर? यस राइट राइट भाई, यस कहते रहो, राइट कहते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बात और मैं बता देता हूँ कि आप एक तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ये दोनों जो पॉइंट्स हैं मैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस स्लाइड से, वो चांसेस हैं विस्कोसिटी के ऊपर नंबर वन, और दूसरा चांसेस हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, बाकी कहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं गाइस। देखो अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों को क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिरकार ब्लड की स्टडी की जाए, तो लोगों ने ब्लड की स्टडी करना शुरुआत करी, और उसके जो जो ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ब्लड इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी। नाम से ही समझ में आ रहा है, हीम मतलब ब्लड और लॉगस मतलब टू स्टडी, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी। आपको पता है निश्चित, अगर अपन ब्लड की स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है ब्लड को स्टडी करने का, और मतलब एक ही मतलब सबसे बेसिक तरीका जो है वो हमें जस्ट अ सेकेंड, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ब्लड बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो एक बात समझ लो, हमारी एवरेज बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड होता है, राइट। तो लोगों ने यहाँ लिख दिया है 4 से 6 लीटर ब्लड होता है, डिफरेंट एजेस में होता है, मगर 5.5 लीटर आप कह सकते हो, राइट। इसका रेड कलर क्यों होता है भाई, सिंपल सी बात है, इसका रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का कलर है रेड, राइट। पीएच याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 होता है। आपको पता है इब्राहिम, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बाहर जा रहा हूं मैं, बट फिर भी ध्यान रखना, कई लोगों में कीटोसिस नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार डायबिटिक कंडीशन में, कई बार ज्यादा कीटोन डाइट लेने की वजह से इनके ब्लड में एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो ये पीएच 7.4 से 7.2 और 7 के नीचे तक पहुंच सकता है कभी कभार, और इस कंडीशन में जबरदस्त एसिडिक कंडीशन हमारी बॉडी में आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडोसिस। क्या बोलते हैं? एसिडोसिस बोलते हैं, और ऐसी कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकता है। इसलिए कोई अगर ज्यादा मोटा है, उसको लगता है कि मुझे कीटोन डाइट को फॉलो करना चाहिए, तो भाई रिमेम्बर इट हैज इट्स ओन नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है ना। तो कीटोन डाइट किसी की गाइडेंस में करना, कभी अगर करने की जरूरत पड़े या तुम्हें कभी किसी को एडवाइस करना हो, अपने आप से कभी कीटोन डाइट पे मत जाना भाई, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाई ब्लड इज हैवियर देन वाटर? सर, कुड इट बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन आरबीसी? प्रोटीन्स, अच्छा, अगर पानी में अंडा डालोगे तो अंडा, अंडे का वाइट जो एल्बुमिन है वो ऊपर फ्लोट करेगा, नीचे चला जाएगा? Since it's denser, it would naturally tend to... Proteins are lighter than water, right? Okay. क्या चीज हो सकती है? ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में भी क्या, समझ रहे हो, कुछ कॉम्पोनेंट्स ऐसे होते हैं, so, iron, right? इसके अलावा भी बहुत कम ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हैवी होते हैं, ठीक है। अब इनको आप सेपरेट कैसे करोगे, एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक वेयर हायर लेवल ऑफ जी ग्रेविटेशन इज प्रोवाइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड, एंड मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज।
तो जो सबसे ज्यादा वेट वाला है वो सबसे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, और उसके बाद हल्की चीजें होंगी जैसे कि प्लाज्मा सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। अब मैं ये कह रहा था कि आरबीसी सबसे नीचे क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आरबीसी है, तो ये सबसे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जबकि प्लाज्मा जो है ऊपर चला जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने 10 ml ब्लड लिया था, तो करीब 4.5 ml जो है वो आरबीसी रहेगी और करीब 5.5 ml जो है वो प्लाज्मा रहेगा। जो 4.5 ml जो आरबीसी है ना गाइस, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोक्रिट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको हम लोग हीमोक्रिट वैल्यू। मैंने आपको कल बताया था हीमोक्रिट वैल्यू इज यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड इन ब्लड सैंपल, राइट। यस सर। पता है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपके जो जो ब्लड है इसके अंदर 60% के आसपास, 55% के आसपास प्लाज्मा होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म है, जो कि नॉन लिविंग होता है, और यही प्लाज्मा हमारे वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि वाइट ब्लड सेल्स पता है कहाँ है और कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स इस वाले बफी कोट के अंदर मिलते हैं गाइस, और इतना सा परसेंटेज होता है, मुश्किल से 5 से 7% के आसपास, और इतने से सेल्स, 5 से 7% सेल्स करीब 60% ऑफ प्लाज्मा बना देते हैं, है ना ये जबरदस्त बात, सोच के देखो। तो इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी जबरदस्त होगी, कैन यू बिलीव दैट। हाँ, आपने लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा था ना कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाते हैं, राइट। यहाँ पे आपने पढ़ा था, देखो, ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज अ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय, मिल रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये वाला पार्ट है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बनाते हैं। मगर देखो जरा कितना सारा ग्राउंड टिश्यू है और उसको बनाने वाले सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ 5 से 7%, तो सोचो जरा कितने ज्यादा एक्टिव सेल्स होने वाले हैं ये, राइट। अच्छा एक बात बताओ, जितना ज्यादा एक्टिव सेल होगा उसका एनर्जी कंजम्पशन उतना ज्यादा होगा, सोच पा रहे हो, राइट। तो आफ्टर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो हमारे ब्लड द्वारा है गाइस, पता है आपको, ब्लड को मेंटेन करने के लिए एनर्जी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं गाइस, राइट। अब सबसे पहले हमें प्लाज्मा की तरफ आना है। देखो गाइस, बहुत आसान चीज है, कई बार यहां से क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि आखिरकार प्लाज्मा का कंटेंट क्या है। तो देखो इसके ऊपर आपको बहुत आसानी से याद रखना है कि प्लाज्मा का मेन कंटेंट जो है वो पानी है, राइट। और पानी में भी 90% पानी होता है टोटल प्लाज्मा का, मतलब अगर आप कह रहे हो कि 60% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, तो इसके मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 54 ml या 54% वाटर है उसके अंदर, सोच पा रहे हो ये कैलकुलेशन कितना आसान है खतीब, Yes, sir. ना 10% कैलकुलेट करना है। अच्छा इसके बाद देखो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, और इनमें जो लार्जेस्ट प्रोटीन होता है गाइस वो होता है एल्ब्यूमिन, लार्जेस्ट प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन हमेशा याद रखो, एल्ब्यूमिन इज अ टाइप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, राइट दैट डाउन, एल्ब्यूमिन इज द लार्जेस्ट प्रोटीन and it is made up of it and it is a type of globular protein, yaad rakho globular protein hote hain gol gol, right, na smooth proteins hote hain ye log hamesha, right। acha iske baad bahut sare globulin hote hain, globulin ka matlab kya ho gaya, globulin ka matlab ho gaya immunoglobulin, right, immunoglobulin se ho gaya jitne bhi antibodies hain वो सारे भी globular proteins hote hain guys। uske baad bahut sare components hote hain jaise properdin, प्रोथ्रॉम्बिन जिससे थ्रोम्बिन बनता है, फाइब्रिनोजन जिससे फाइब्रिन बनता है, इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा एक बात समझो, हमारा जो ब्लड है इसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए ना निश्चित बहुत सारे मेटेलिक आयंस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की जरूरत होती है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का जो टोटल कॉम्पोनेंट है वो केवल 1% है, और यही बड़ी कंट्रास्टिंग फीचर है। कितना कम परसेंटेज, कितने बड़े परसेंटेज ऑफ वाटर को
इलेक्ट्रोलाइटिकली मेंटेन करता है. आप समझ पा रहे हो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होती है, राइट? अगर हमारे अंदर प्योर वाटर होता हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें करंट नहीं लगता. जो हमें करंट महसूस होता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है, वो क्यों लगता है? इसी 1% इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, सॉल्ट्स की वजह से, है ना? इसके बाद लोगों को इतना तो याद रहता है कि प्लाज्मा का ये कंपोनेंट है, मगर याद रखो प्लाज्मा में हर वो चीज भी है जो कि आप खा रहे हो या आपको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना है, क्योंकि हमारे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपोर्ट. तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर सकता है? वो फूड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जिसमें खाने के लिए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह हो, या बहुत सारा वेस्ट भी कैरी करेगा जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन हो. आपको पता है ना ये यूरिया क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं. अच्छा, उसके बाद आप ये भी जानते हो कि ये ट्रांसपोर्ट में हार्मोनल ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. इन सबको हम मिला के बोल देते हैं रेगुलेटर्स. ऑलवेज रिमेम्बर, हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स प्लस विटामिंस एंड सम केमिकल्स ऑफ द बॉडी ऑल टुगेदर विल फॉर्म रेगुलेटर्स. ठीक है इब्राहिम, दिस इज वर्दी ऑफ नोटिंग दैट, राइट? नोट कर लो इसको. ठीक है, इसके बाद और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बताया आपको, इसके आगे की याद रखने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है. सर, हाँ जी सर, दिस ग्लोब्यूलिन विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, इट इज गामा ग्लोब्यूलिन और अल्फा ग्लोब्यूलिन? इफ यू से दैट इट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, देन इट इज अ गामा ग्लोब्यूलिन. Although there are many type of globulin proteins are there, right? यहाँ पे जो globulin लिखा था, यहाँ पे बहुत सारे globulin के बारे में लिखा था, मगर उनमें से जो सबसे important है वो gamma globulin है, right? चलो हम अगली slide. Thank you sir. Right. अब हम आते हैं हमारे WBCs के ऊपर, right? एक काम करो, session खत्म हो रहा है, मैं नया session start करता हूँ, ठीक है?